सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग. सो आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं, लेक्चर नंबर 7. सो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन. आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा और हम लोग नया चैप्टर भी आज शुरू कर लेंगे. सो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने कुछ बेसिक्स जो बातें डिस्कस की थी उसको एक बार फिर से रीडिस्कस कर लेते हैं और आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. तो सबसे पहले हमने ये समझा था जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. ये हमने समझा था कि ये मेरी क्या होती है, अकाउंटिंग की एक बेसिक इक्वेशन होती है. इसको मैंने थोड़ा सा और बाइफरकेट किया था, तो इसको मैं ये बोल सकता हूं कैपिटल को ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स. और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये मेरी क्या है, टोटल इक्विटी विच इज ऑलवेज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स. ठीक है, ये चीजें हमने लास्ट क्लास में समझी थी. फिर हमने एक चीज और समझी थी कि जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के, वो हमेशा दो साइड्स को अफेक्ट करते हैं. एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड. ठीक है, क्रेडिट भी बोल सकते हैं, डेबिट भी बोल सकते हैं. ठीक है, हमारे ट्रांजैक्शंस हमेशा दो एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करते हैं. और हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि डबल एंट्री सिस्टम किसने डेवलप किया था, तो वो थे हमारे लुका पासोली जी. 15th सेंचुरी में वो डबल एंट्री का सिस्टम लेकर आए थे. फिर हमने एक चीज और समझी थी कि जितने भी मेरे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शंस होंगे, वो कहां पे अफेक्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को. कैपिटल को मेरे अफेक्ट करेंगे जितने भी मेरे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शंस होंगे. ठीक है, हो सकता है कभी एसेट्स इंक्रीज हो जाएं, कभी हो सकता है एसेट्स डिक्रीज हो जाएं. सिमिलरली हमारी लायबिलिटीज कभी इंक्रीज हो सकती हैं और कभी डिक्रीज हो सकती हैं. फिर हमने समझा था कि हम लोग अपना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं. प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. प्रॉफिट हमने समझा था जो हमारे बिजनेस का रेवेन्यू होता है उसमें से अगर मैं अपना एक्सपेंस माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा. और प्रॉफिट के लिए मैंने एक बात बताई थी कि प्रॉफिट विल ऑलवेज बी एडेड इन कैपिटल. प्रॉफिट को हम लोग हमेशा अपने कैपिटल में ऐड कर देते हैं. ठीक है, फिर हमने एक चीज और समझी थी कि हम लोग अपना क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं. तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल को हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर. प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर. और अगर मैं इससे माइनस कर दूं क्या, ड्रॉइंग्स, तो मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल. इस पर एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम लोग कि अगर लॉस हुआ तो लॉस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. तो अगर लॉस हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस को डिडक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या पता चल सके, क्लोजिंग कैपिटल पता चल सके. तो ये सब बातें हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन की समझी थी लास्ट क्लास में. फिर हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस भी किए थे बेसिक से, और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. ठीक है, तो होप सो आप लोगों ने वो भी होमवर्क कर लिया होगा. तो चलो जी, आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे ले चलते हैं और एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सो अभी जो हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. सो फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गोपी पर्टेनिंग टू ईयर एंडेड 31st March 2017. फाइंड द अननोन्स शोइंग कंप्यूटेशन टू सपोर्ट योर आंसर. सो हमें कुछ डिटेल्स दे रखी हुई हैं और अननोन इंफॉर्मेशन को मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट करके देना है.
सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, मशीनरी 12 लाख रुपीस, अकाउंट्स पेबल 1 लाख रुपीस, इन्वेंट्री 60,000, टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल 14,15,000 रुपीस, कैश को मेरे को फाइंड आउट करना है, बैंक इज 80,000 रुपीस, ट्रेड रिसीवेबल्स आर बी, मतलब बी को भी मेरे को फाइंड आउट करना है, लोन्स सी, क्लोजिंग कैपिटल डी। तो मेरे को ए बी सी डी इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। फिर मेरे को ओपनिंग कैपिटल दे रखा हुआ है 10 लाख रुपीस का, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा हुआ है 35,000 रुपीस, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर कितना है 1 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ऑफ रुपीज 15,55,000 वॉज मेड, ऑफ विच रुपीज 15 लाख हैज बीन रिसीव्ड। तो 15,55,000 रुपीज की सेल कर रखी थी, उसमें से 15 लाख रुपीज रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो चलो जी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका ए बी सी और डी अननोन पार्ट्स को मेरे को कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं क्विकली, मेरे साथ चलिएगा सबको। सो क्वेश्चन नंबर 9, सो क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे कि मैंने पढ़ा कि ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ऑफ रुपीस, ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ऑफ रुपीज 15,55,000 वॉज मेड, ऑफ विच रुपीज 15 लाख हैज बीन रिसीव्ड। मतलब मैंने पूरे साल में 15,55,000 रुपए की सेल्स करी है, 15,55,000 रुपीज की सेल्स करी है, उसमें से 15 लाख मेरे को रिसीव हो गया, 15 लाख रिसीव हो गया। मतलब मेरे को रिसीव होना कितना बाकी होगा, 55,000, जितना रिसीव होना बाकी होगा मेरे कस्टमर से मेरे को, वही तो मेरे बिजनेस के ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे, वही तो मेरे बिजनेस के डेटर्स होंगे। तो पहली पार्ट को मैं कैलकुलेट करता हूं, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल्स को कैलकुलेट करता हूं तो मैं क्या करूंगा, टोटल सेल्स, इतनी भी मैंने टोटल सेल्स कर रखी है, माइनस कैश कितना मैंने रिसीव कर रखा है। अगर टोटल सेल्स में से मैं कैश रिसीव्ड माइनस कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रिसीव करना बाकी है मेरे को। सो टोटल सेल्स मैंने कर रखी है 15,55,000 की, और मेरे को 15 लाख रुपीज कैश में रिसीव हो चुके हैं, तो मतलब कितना मेरे को रिसीव करना बाकी है, रुपीज 55,000, यही मेरे क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स। सो सबसे पहले मैंने क्या पता लगा लिया, बी को पता लगा लिया, जो मेरे से बी पूछा गया था, ट्रेड रिसीवेबल्स आप पता लगा के दिखा दीजिए। ठीक है, फिर मेरे को क्या निकालना है, एक क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल जो मेरा डी रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे को समझने की कोशिश करना बच्चे कि ओपनिंग कैपिटल मेरे को क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, ओपनिंग कैपिटल मेरे को दे रखा हुआ है, लॉस दे रखा हुआ है, और कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर दे रखा हुआ है। अगर मेरे को ये सब डिटेल्स दे रखी हुई हैं तो मैं आराम से अपना क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूं, जिस फॉर्मूले को मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उस फॉर्मूले के थ्रू। तो क्लोजिंग कैपिटल चलो मैं निकालता हूं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और एडिशनल कैपिटल भी बोल सकते हैं हम लोग उसे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इस क्वेश्चन में कोई भी ड्राइंग्स नहीं दे रखी हुई हैं, तो ड्राइंग्स नहीं दे रखी हुई तो हम लोग कंसिडर भी नहीं करेंगे। ओपनिंग कैपिटल कितना दे रखा हुआ है, ओपनिंग कैपिटल दे रखा हुआ है 10 लाख रुपीज का, जो लॉसेस हम लोगों ने अर्न किए वो कितना है, 35,000 रुपीज के, मतलब लॉसेस जो हम लोगों ने इनकर कर रखे हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, 1 लाख रुपीज का। ठीक है, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 10,65,000 रुपीज का क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 10,65,000 रुपीज का। तो ये मैंने अपना क्या करा, डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। फिर क्वेश्चन में मेरे को अभी क्या क्या बचा हुआ, ए और सी मेरे को अभी और निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करते हैं तो समझने की कोशिश करना, क्या दे रखा हुआ है कि टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, मतलब टोटल इक्विटी मेरे को कितना दे दी गई है, 14,15,000 रुपीज की। टोटल इक्विटीज 14,15,000 रुपीज की दे रखी है, जिसमें कैपिटल प्लस हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज दोनों चीजें शामिल है। ठीक है, दोनों चीजें इसमें क्या है, शामिल है। और मैंने अभी अभी क्या करा है, अपना क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया, मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया है और टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल दे रखा हुआ है। अगर मैं इसमें से
इसमें से अगर अपना क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर दूं तो मेरे को अपनी क्लोजिंग की लायबिलिटीज पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी क्लोजिंग की लायबिलिटीज निकालता हूँ, ठीक है। तो क्लोजिंग लायबिलिटीज मेरी अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेंगे, मतलब लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सबसे पहले जो मेरे को टोटल इक्विटी दे रखी हुई है वो कितनी है, 14,15,000 रुपीस, ठीक है। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं अपना क्लोजिंग कैपिटल जो अभी मैंने ये कैलकुलेट करा है, 10,65,000 रुपीस, तो मेरी क्लोजिंग लायबिलिटीज लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट हो जाएंगी, जो निकल के आती है कितना, 3,50,000 रुपीस, ठीक है। कैलकुलेटर क्विकली आप लोग अपने साथ लेकर बैठे करिए, जिससे कि मेरे से फास्ट आपको कैलकुलेशन करना है। फिर मैंने मेरे को क्या पता चल गया, मेरी बिजनेस की लायबिलिटीज पता चल गई। अब जब मेरे को अपने बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज पता चल गई तो मेरे से क्या पूछा गया, लोन्स के बारे में। तो लोन्स जो हमने अब बिजनेस के लिए ले रखे हैं उसको मेरे को कैलकुलेट करना है। अब टोटल लायबिलिटीज में मैं देखूं तो मेरे को सिर्फ क्वेश्चन में दो लायबिलिटीज दे रखी गई हैं, एक दे रखी गई है अकाउंट्स पेबल और दूसरी कौन सी है, लोन्स। अगर मैं दोनों लायबिलिटीज को ऐड कर दूं तो मेरे टोटल लायबिलिटीज के बराबर होना चाहिए। अगर मैं अपना अकाउंट्स पेबल प्लस लोन्स को ऐड कर दूं तो ये 3,50,000 के इक्वली तो होना चाहिए। अकाउंट्स पेबल जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा हुआ है वो कितना है, अकाउंट्स पेबल जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 1,00,000 रुपीस का, और लोन्स मेरे को निकालने हैं। मेरे को क्वेश्चन ने फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है कि लोन्स बता दीजिए कितने होने चाहिए। तो अगर मैं लोन्स देखूं कितना निकल के आएगा, 3,50,000 माइनस 1,00,000 रुपीस, तो मेरे लोन्स बिजनेस के कितने आ जाएंगे, 2,50,000 रुपीस के मेरे पास क्या आ गए, लोन्स आ गए। तो मैंने अपना सी पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया, अब मेरे को क्या निकालना है कि मेरे बिजनेस में कितना कैश है, अच्छा बच्चे आप समझने की कोशिश करना, जो मेरे क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल इक्विटी तो होगा ये। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेरी टोटल इक्विटी होती है वो मेरे टोटल एसेट्स के बराबर भी होती है, तो मैं इसको अपना टोटल एसेट्स भी तो बोल सकता हूं। टोटल इक्विटी इज ऑलवेज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं कि ये मेरे टोटल एसेट्स हैं। अब मेरे को अपने बिजनेस के टोटल एसेट्स पता चल गए, ठीक है, मेरे को अपने बिजनेस के टोटल एसेट्स पता चल गए, और मेरे को कुछ अदर एसेट्स भी दे रखे हुए हैं कि मैं, मतलब मेरे जो इंडिविजुअल एसेट्स का मैं सम करता हूं तो मेरे को इस टोटल के बराबर मेरा टोटल आना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल को जब मैं सम करता हूं तो मेरा टोटल 14,15,000 रुपीस का आना चाहिए। सो मेरे पास जो भी इंडिविजुअल एसेट्स हैं, जो भी मेरे पास इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यूज मेरे को मालूम है, वो अगर मैं टोटल से माइनस कर दूं तो जो भी मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकलेगा वो किसका, कैश का निकल के आ जाएगा। तो चलो इसको करने की कोशिश करता, तो जैसे कि मेरे को पता है क्या कि टोटल इक्विटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ये हम लोगों ने समझा था कि हमारी जो इक्विटीज टोटल होती है, मतलब कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज का जो टोटल होता है वो हमेशा टोटल एसेट्स के बराबर होता है। तो टोटल इक्विटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, अब मेरी टोटल इक्विटीज कितनी दे रखी हुई हैं वो समझने की कोशिश करना, जो टोटल इक्विटीज कितनी दे रखी हुई हैं, 14,15,000 रुपीस का। अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में करता हूं तो टोटल एसेट्स मेरे कितने दे रखे हुए हैं, 14,15,000 रुपीस के, ठीक है, 14,15,000 रुपीस के मेरे पास टोटल एसेट्स है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से अपने इंडिविजुअल एसेट्स माइनस करना शुरू करता हूं। सो मैं इसमें माइनस करता हूं, सबसे पहले जो मेरे पास मशीनरी का बैलेंस दे रखा हुआ, तो मशीनरी मेरे पास बिजनेस में कितनी थी, मशीनरी मेरे पास थी 12,00,000 रुपीस की, 12,00,000 रुपीस की, ठीक है। जब हम लोग ब्रैकेट्स में इसको लिख देते तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग माइनस करने जा रहे हैं इस फिगर को, माइनस मेरे बिजनेस में और क्या क्या एसेट्स हैं, इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री कितनी दे रखी हुई है, 60,000 रुपीस की, वो भी मैंने माइनस कर दी। फिर मेरे पास बैंक का बैलेंस कुछ पड़ा हुआ है, तो बैंक का बैलेंस जो दे रखा हुआ है क्वेश्चन में वो कितना है, 80,000 रुपीस का। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्रेड रिसीवेबल्स भी निकाले थे, वो भी मेरे बिजनेस के क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स मैंने क्या करा, इसमें से माइनस कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स जो मैंने कैलकुलेट करे थे वो कितने आए थे, 55,000 रुपीस के ट्रेड रिसीवेबल्स आए थे।
तो अब जो मेरा जो भी बैलेंस बचा, जो भी मेरा बैलेंस बचा वो मेरा क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। जो भी मेरा आउटस्टैंडिंग बचेगा वो क्या निकल के आ जाएगा, कैश आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास बिजनेस में और कोई एसेट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो मेरा जो कैश आएगा वो कितना हो जाएगा अगर मैं इन सबको माइनस करता हूँ, तो ये मेरा निकल के जो आ रहा है 20,000 रुपीज़ का कैश आ जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपीज़ का कैश आ जाएगा, जो मेरे को ए पूछा गया क्वेश्चन में वो भी मैंने निकाल दिया। तो ए बी सी डी मैंने सब चीज़ें निकाल दी। सो हम लोगों को क्या करना था इस क्वेश्चन में, मिसिंग फिगर्स निकालनी थी जो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। तो होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चे हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते। सो क्वेश्चन नंबर 10, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, गुड्स ₹60,000 एंड फर्नीचर ₹80,000। बी सोल्ड गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फिर जो सी पार्ट में दे रखा हुआ है, सी पार्ट में परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹12,000। डी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम, जो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना है 10% पर एनम। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज क्या है हमारा ₹5,000 का। पेड रेंट ₹3,000, पेड रेंट ₹3,000 इंक्लूडिंग ₹2,000 इन एडवांस। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1,000 एंड पेड सैलरीज ₹3,000। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹4,000। गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड लास्ट रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹6,000। ठीक है, तो ये सब हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखे हुए हैं जिसकी मेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में मेरे को बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है। मेरे को बैलेंस शीट भी बनानी है और साथ ही साथ क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म करनी है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था उसी मैनर में, सेम मैनर में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन निकाल लेते हैं, हम लोग अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि बैलेंस शीट हमें कैसे बनानी होती है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू हमारे क्या होते हैं, एसेट्स। तो हमेशा क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये चीज मेरे को अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखनी होती है। फिर मैंने क्या करा, एक लाइन छोड़ दी डिटेल्स के लिए और मैंने अपना ट्रांजैक्शन नंबर ए को रिकॉर्ड करा। सो क्या दे रखा हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, गुड्स ₹60,000 एंड फर्नीचर ₹80,000। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि बिजनेस में ₹50,000 का क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, प्लस ₹60,000 के गुड्स आ रहे हैं, प्लस ₹80,000 के क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। ठीक है, ये तीन एसेट्स मेरे बिजनेस में आए, तो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर। ठीक है, ये तीन एसेट्स मैं लेकर आया और मैंने क्या करा, अपना बिजनेस शुरू करा। ठीक है, सो मेरे कैपिटल क्या हो जाएगा, मैंने कितना टोटल इन्वेस्ट करा, क्या आप मुझे मेरे को बता सकते हैं, इन तीनों का टोटल क्या होगा, क्या आप मेरे को बता सकते हैं? हाँ जी सर, हाँ, इन तीनों का टोटल कितना आएगा, 1,90,000 रुपीज़। ठीक है, 1,90,000 रुपीज़ मैंने क्या करा, अपना ए ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैंने क्या देखा, ट्रांजैक्शन नंबर बी में गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मैंने टोटल सेल्स अगर देखूं कि मैंने टोटल सेल्स कितनी कर रखी होगी, वो पहले मैं कोशिश करता हूं निकालने की। तो मैंने क्या करा, अपने क्वेश्चन में एक वर्किंग नोट बनाया। ठीक है, वर्किंग नोट, जो मेरे को वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं अपने क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए एग्जामिनर के पास। तो मैंने क्या करा, एक वर्किंग नोट बनाया और उसमें लिखा कि जो मेरे 10,000 के गुड्स हैं, 10,000 के गुड्स हैं, उनको मैंने क्या करा, कैश में सेल करी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब 10,000 की चीज मैंने प्रॉफिट 20% ऐड करके सेल आउट करी, तो 10,000 का 20% कितना आ जाएगा, ₹2,000। तो अल्टीमेटली मैंने सेल कितने की करी होगी, ₹12,000 की।
मैंने सेल कितने की करी होगी, 12,000 रुपीज की सेल करी होगी। फिर मैंने क्या देखा कि 15,000 के जो गुड्स थे, 15,000 के जो गुड्स थे वो मैंने किस पे सेल करे, क्रेडिट पे, क्रेडिट पे मैंने सेल करे और प्रॉफिट कितना ऐड करा होगा, 20%। अगर मैं 15,000 का 20% निकालता हूं तो कितना आएगा, 3,000 रुपीज का, मतलब मैंने प्रॉफिट ऐड करा है। तो मैंने कितने पे सेल करी होगी, 15,000 रुपीज प्लस 3,000 रुपीज कितना हो जाएगा, 18,000 रुपीज। इट मींस कि मैंने टोटल सेल्स जो करी है वो कितनी करी है, 30,000 रुपीज की कर रखी है, और जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी निकल के आ रही है, 25,000। मतलब 25,000 रुपीज की गुड्स मैंने 30,000 रुपीज में सेल करे हैं, ठीक है। 12,000 की मैंने 12,000 की मैंने कैश में कर रखे हैं और 18,000 की मैंने क्रेडिट पे कर रखे हैं। तो हमने ये सबसे पहले क्या करा, इस ट्रांजैक्शन को समझा। अब मेरे को क्या करना है, इसको अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में उतारना है, ठीक है, लेकर आना है। तो बच्चे समझने की कोशिश करना, मेरे बिजनेस से कितने रुपए के गुड्स जा रहे हैं। मेरे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने क्या कर रखा है, गुड्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रखा है। जो भी मेरी कॉस्ट होगी तो कॉस्ट से कॉस्ट ही तो माइनस होगी, कॉस्ट से सेल थोड़ी ना मैं माइनस कर सकता हूँ। तो जितने के गुड्स थे मैंने पता किया कि मैंने कितने के गुड्स सबसे पहले सेल करे, तो मैंने सेल कर रखा है 25,000 रुपीज का, ठीक है। मतलब 25,000 के गुड्स मैंने सेल कर रखे जिनकी कॉस्ट कितनी थी, 25,000 रुपीज की। तो मैंने गुड्स में माइनस 25,000 लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मैंने जो 12,000 के गुड्स हैं वो कैश में सेल कर रखे हैं। 12,000 के गुड्स मैंने क्या कर रखे हैं, कैश में सेल कर रखे हैं। तो मैंने अपना कैश इंक्रीज कर दिया कितने से, 12,000 रुपीज से, ठीक है। और मैंने जो 18,000 के गुड्स हैं वो क्रेडिट पे सेल कर रखे हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया क्या, 18,000 रुपीज। और जो मेरे 18,000 के क्या हो गए, बिजनेस के डेटर्स इंक्रीज हो गए, मेरे बिजनेस के क्या हो गए, डेटर्स इंक्रीज हो गए। तो सर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या निकल के आएगा, ये दिस विल कम कितना, 62,000 रुपीज। और अगर मैं इसको सॉल्व आउट करता हूं तो ये मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 35,000 रुपीज। फर्नीचर में कोई भी चेंज नहीं है तो एज इट इज मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तो सर मैंने 25,000 रुपीज माइनस करे और ऐड करा है 12,000 प्लस 18,000, तो सर 5,000 का डिफरेंस था वो क्या था, बच्चे वही तो मेरा प्रॉफिट था। 25,000 की चीज को जो मैंने सेल आउट करा तो 5,000 रुपीज का ही तो प्रॉफिट ऐड करा था। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट हम लोग हमेशा कहां ऐड करते हैं, अपने कैपिटल में। तो मैंने यहां पे 5,000 रुपीज ऐड कर दिया और लिख दिया ब्रैकेट में क्या, प्रॉफिट। और मैंने अपनी टोटल कैपिटल कैलकुलेट करी तो 1,95,000 रुपीज आ गई। तो अगर आप फिर से अगर चेकअप करेंगे, फिर से चेक करेंगे तो हमारा टोटल 1,95,000 के इक्वली आएगा एसेट्स का। सर सर हमें ये बात भी समझ में आ गई, अच्छी बात है बच्चे, अच्छी बात है। तो चलो बच्चे हम लोग अपना सी नंबर ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 12,000। तो 10,000 के गुड्स मैंने कैश में परचेज करे 12,000 के क्रेडिट पर। तो टोटल गुड्स मैं, मेरे को बता सकते हो कितना परचेस करा मैंने, 25,000 रुपीज का मैंने परचेस करा, ठीक है। टोटल गुड्स जो मैंने परचेस करा है वो कितना करा है, सॉरी 22,000 रुपीज का, 10,000 प्लस 12,000, तो 22,000 रुपीज के गुड्स मैंने क्या करे है, परचेस करे। तो वो मैंने ऐड कर दिया 10,000 के, उसमें से किस में करें, कैश में करें, तो मैंने कैश से माइनस कर दिया। और बाकी जो 12,000 के वो किस में, क्रेडिट पे, ठीक है, क्रेडिट पे। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, प्लस 12,000। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा तो कैपिटल को मैंने एज इट इज लिख दिया। मेरा कैश अब कितना हो जाएगा, 52,000 रुपीज का। मेरे पास जो गुड्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 57,000 रुपीज के। 80,000 रुपीज के फर्नीचर है मेरे पास और 18,000 रुपीज के क्या है, डेटर्स है। और मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, क्रेडिटर्स। मैंने क्या करा, क्रेडिट पे गुड्स परचेज करा, वो मैंने क्या लिख दिया, क्रेडिटर्स। मैंने अपना सी नंबर ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर क्या है, डी नंबर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। जो डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे वो कितना है, 10% पर एनम है। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, बिजनेस का एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस मैंने बताया था कि कैपिटल में जाके एडजस्ट हो जाता है। तो चलो बच्चे 10% हमारा कितना हो जाएगा, अगर मैं 80,000 का निकालता हूं 10% कितना आएगा, 8,000 रुपीज का मेरा क्या होगा, डेप्रिसिएशन। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया डेप्रिसिएशन, ठीक है। और फिर मैंने कैलकुलेट करा कितना आ जाएगा, 52,000 रुपीज कैश रहेगा, कैश में कोई भी चेंज नहीं। 57,000 के गुड्स हो जाएंगे, मेरा जो फर्नीचर रिड्यूस होकर बैलेंस कितना बचेगा, 72,000 रुपीज का।
और 18,000 के डेटर्स मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं, 18,000 के डेटर्स मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन होता है वो मेरा क्या बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हम लोग कहाँ से माइनस करते हैं, अपने कैपिटल से। सो 1,87,000 प्लस 12,000, ठीक है। तो हमने अपना क्या करा, ट्रांजैक्शन नंबर डी भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर हमसे ट्रांजैक्शन नंबर ई क्या बोलता है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। हमने क्या करा, कैश विड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए ₹5,000। तो ₹5,000 कैश मैंने माइनस कर दिया बिजनेस से अपने, ठीक है। और जो ड्रॉइंग्स होती है मेरी वो कहां पे एडजस्ट करते हैं हम लोग, अपने कैपिटल पे, ठीक है। ओनर ने क्या करा, बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, विड्रॉ कर लिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। तो ओनर ने ₹5,000 क्या करा, घर लेकर चला गया। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्या, ड्रॉइंग्स। और अब मैंने कैलकुलेट करा तो 1,82,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 47,000 प्लस 57,000 प्लस 72,000 प्लस 18,000, ओके। सो ट्रांजैक्शन नंबर एफ पेड रेंट 3,000 इंक्लूडिंग 2,000 इन एडवांस। मैंने क्या करा, टोटल रेंट जो पे कर रखा है वो कितना है, 3,000 रुपीज। मैंने 3,000 रुपए पे करे, मतलब 3,000 रुपए मैंने कैश में पे करे होंगे, तो 3,000 रुपए तो मैंने माइनस कर दिया सबसे पहले कैश से। फिर मैंने देखा कि 3,000 रुपए में 2,000 रुपए मैंने क्या करा, एडवांस पे करा। एडवांस पे करा है मतलब मैंने पैसा दे दिया बट मेरे को अभी तक इसका बेनिफिट नहीं मिला, तो ये मेरे बिजनेस का क्या हो गया, 2,000 रुपए का एक एसेट क्रिएट हो गया। और जो बचा हुआ 1,000 है वो मेरा बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, क्योंकि मैं उसका बेनिफिट ले चुका हूं, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपेंस होगा 1,000 रुपए का, वो मैं क्या करूंगा, कैपिटल से माइनस कर दूंगा। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे रेंट, और अब मेरा जो कैपिटल निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 1,81,000 प्लस 12,000 के क्रेडिटर्स मेरे एज इट इज रहेंगे। मेरा जो कैश होगा वो अब कितना हो जाएगा, 44,000 प्लस गुड्स मेरे 57,000 प्लस 72,000 रुपीज के मेरे फर्नीचर है, 18,000 रुपीज के मेरे डेटर्स हैं, प्लस मेरा 2,000 रुपीज का एक एडवांस क्रिएट हो गया। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, एडवांस, एडवांस रेंट, एडवांस रेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। एडवांस रेंट मेरा कितना निकल के आ गया, 2,000 रुपीज का, या फिर मैं इसको प्रीपेड रेंट भी बोल सकता हूं, ठीक है, मैं इसको प्रीपेड रेंट भी बोल सकता हूं। तो ट्रांजेक्शन नंबर जी, ट्रांजैक्शन नंबर जी में क्या दे रखा हुआ है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1,000 एंड पेड सैलरीज ₹3,000। तो 3,000 रुपए की मैंने सैलरी पे कर दी है और 1,000 की अभी भी आउटस्टैंडिंग है। 3,000 रुपए की मैंने सैलरी पे कर दी है प्लस 1,000 रुपए की उसमें से क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कितनी है, 1,000 रुपए की, और 3,000 रुपए मैंने क्या करा है, पे कर दिया। So, मेरा टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 3,000 रुपीज प्लस 1,000, टोटल एक्सपेंस मेरा कितना है, 4,000 रुपीज का हो जाएगा। वो मैंने क्या करा, डायरेक्टली कैपिटल में माइनस कर दिया, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, सैलरीज। 4,000 की सैलरीज में से मैंने क्या करा, 3,000 रुपीज की कैश में पे करी है, तो 3,000 मैंने यहां पे कैश से माइनस कर दिया, और 1,000 की अभी तक आउटस्टैंडिंग है। तो चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 1,77,000 रुपीज प्लस 12,000 प्लस 1,000 का अब क्या हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। 1,000 रुपीज की सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, मैंने यहां पे लिख दी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां पे लिख दिया, और यहां पे कैलकुलेट करा एसेट साइड पे, तो 41,000 प्लस 57,000 प्लस 72,000 प्लस 18,000 प्लस 2,000, ठीक है, मैंने ये सब लिख दिया। तो मैंने अपना ट्रांजैक्शन नंबर जी भी रिकॉर्ड कर लिया है। फिर क्या दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मेरे को एडवांस में कमीशन रिसीव हो गया। तो जब मेरे को कमीशन रिसीव हुआ होगा तो वो कैश में हुआ होगा, 4,000 रुपए मैंने कैश में इंक्रीज कर दिया और एडवांस में कमीशन मिला है, ठीक है। अभी तक मैंने क्या करा है, अपनी सर्विसेज नहीं परफॉर्म करी है और मेरे को कमीशन मिल गया, तो वो मेरे बिजनेस की क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। मेरे लिए एक लाइबिलिटी, एक बर्डन क्रिएट हो गया कि मेरे को कुछ सर्विसेज अब परफॉर्म करनी है क्योंकि उसके लिए मेरे को पैसा मिल गया। तो मैंने क्या करा,
कैपिटल एज इट इज रहने दिया, मेरे क्रेडिटर्स भी एज इट इज रहेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी वही रहेगी, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4,000 रुपीज और ऐड कर दिया। वो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 4,000 रुपीज जो मैं लिख सकता हूँ वो क्या है, 4,000 रुपीज के मेरे बिजनेस में आ गया एडवांस कमीशन, ठीक है, एडवांस कमीशन या फिर अनअक्रूड कमीशन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो 4,000 रुपीज मैंने लिख दिया और बाकी के जो मेरे एसेट्स रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे 57,000, 72,000, 18,000 एंड 2,000 रुपीज, ठीक है, 2,000 रुपीज। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन दे रखा हुआ है कि गुड्स कॉस्टिंग 3,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मेरे गोडाउन में आग लग गई और मेरे 3,000 के गुड्स क्या हो गए, जल के राख हो गए, ठीक है, बेकार हो गए। तो 3,000 के गुड्स मेरे क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो मैंने गुड्स में से 3,000 रुपीज माइनस कर दिया और जो मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हुए वो मेरे बिजनेस के लिए एक लॉस है, मेरे बिजनेस का ये एक एक्सपेंस है, तो वो मैं कहां पे ट्रीट करूंगा, कैपिटल में, ठीक है। और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये कितना आ गया, 1,74,000 रुपीज प्लस 12,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 45,000 प्लस 54,000 प्लस 72,000 प्लस 18,000 प्लस 2,000, ठीक है। ये मैंने क्या करा, अपना जो ट्रांजैक्शन नंबर आई को रिकॉर्ड कर लिया। आई के बाद जो लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, जे, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स रुपीज 6,000। सर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स क्या होती हैं, प्लीज मेरे को बता दीजिए। बच्चे कभी आपने क्या करा होगा, जो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आपके घर पे जो लगा होगा, कभी देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, कुछ एडवांस में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, कुछ उनके पास पैसा जमा करते हैं, तो वो लोग मेरे यहाँ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाते हैं आके। उसके बाद क्या होता है, जो उसकी रीडिंग्स के बेसिस पे मेरे पास क्या होता है, घर का बिल आता है बिजली का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसके बेसिस पे आता है। पर जो वो मीटर लगा रहे हैं, ये सब एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, ये सब एक्सपेंसेस कर रहे हैं, मीटर लगा रहे हैं, ठीक है, तो उन इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसा हमारे पास जमा कर दो, कुछ पैसा हमारे पास जमा कर दो, कि इन केस जब हम लोग आपके यहाँ, मान लो आज आपने इलेक्ट्रिसिटी ली, आप 2 साल बाद वो घर छोड़ के चले गए, ठीक है, 2 साल बाद आपने अपना कनेक्शन जो है वो कैंसिल करा दिया इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या होगा कि आपको ये मीटर वापस करना होगा जब हमारा कनेक्शन का एंड हो जाएगा, ठीक है, जब हमारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो ये मीटर वापस करना होगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। बट क्या हुआ, आपने जब कनेक्शन कैंसिल कर दिया, मतलब आपकी हो सकता है वहां पे लड़ाई हो गई हो, कुछ डिस्प्यूट हो गया हो, और आपने मना कर दिया कि मैं जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर है ये मैं वापस नहीं करूंगा, तो इसी के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या करता है, कुछ पैसा जमा करा लेता है कि इन केस आप एट द टाइम ऑफ डिसकनेक्शन, एट द टाइम ऑफ डिसकनेक्शन अगर आप मीटर वापस नहीं करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के पैसे से आपसे रिकवरी कर लेंगे, ठीक है, और इन केस अगर आप वापस कर देते हो ये मीटर तो ये आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का मनी वापस कर देंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लाइफ। सिमिलरली जब पहले टेलीफोन्स होते थे उसमें भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स रखवा लिया जाता था, ठीक है, तो ये हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट्स रखते हैं, ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हमारे बिजनेस के क्या हो जाते हैं, हमारे बिजनेस के क्या होते हैं, अगर हम लोग किसी और के पास रखते हैं तो हमारे बिजनेस के एसेट्स हो जाते हैं, अगर कोई मेरे पास रख देता है तो ये मेरे बिजनेस की लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में वो चीज़ वापस करनी है। तो क्वेश्चन में समझो कि अगर पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लिखा होता तो वो मेरे बिजनेस के लिए क्या होते, एसेट्स होते, बट अब क्या लिख रखा है, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को क्या करा, रिसीव कर रखा है, तो रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स मेरे क्या है, बिजनेस की लायबिलिटीज हो गई। तो मैंने यहाँ पे सिंपल से क्या लिखा कि मेरे को 6,000 रुपीज क्या मिला, कैश मिला, मैंने 6,000 रुपीज कैश में ऐड करा और मैंने टोटल कर दिया, तो ये मेरा आ गया 51,000 रुपीज प्लस 54,000 रुपीज प्लस 72,000 रुपीज प्लस 18,000 प्लस 2,000। मैंने अपना क्या करा, एसेट साइड सब कुछ लिख लिया। फिर जब मैं अपनी लाइबिलिटीज साइड आया तो मैंने कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आना है, ना मेरे क्रेडिटर्स में कोई चेंज आना है, ना ही मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी में कोई चेंज आना है, ना ही मेरे एडवांस कमीशन में कोई चेंज आना है, प्लस 6,000 मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अब मेरी जो बिजनेस की लायबिलिटी क्या क्रिएट हो गई, सिक्योरिटी डिपॉजिट। मैंने ऊपर गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, सिक्योरिटी
डिपॉजिट, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये मेरी क्या हुई, अकाउंटिंग इक्वेशन बनके कंप्लीट हो गई, मैंने अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिया। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, चाहे तो आप लोग चेक करके देख सकते हैं। ठीक है सर, सर हमें आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का जो ये क्वेश्चन था बिल्कुल समझ में आ गया। बच्चे अभी ये चीज़ अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई है, अभी क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ। सर सर हमें बैलेंस शीट तो बनानी नहीं आती है। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए तो बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे इसीलिए तो हूँ कि आपको सिखा सकूँ कि कैसे बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है ये मैं आपको सिखा सकूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो चलो बच्चे हम लोग बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट समझने की कोशिश करते हैं, बैलेंस शीट का कैसा फॉर्मेट होता है, हमें बैलेंस शीट कैसे बनानी होती है। तो बच्चे एक बात समझ लो कि बैलेंस शीट हम लोग कोई एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं। बैलेंस शीट ये नहीं है कि हम लोग रोज का रोज बनाएंगे बैलेंस शीट की, जो हमारी बैलेंस शीट को हम लोग अपना पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो पोजीशन स्टेटमेंट जो हमारा होता है, जो हमारी बिजनेस की बैलेंस शीट होती है, वो हम लोग कोई एक पर्टिकुलर डेट बनाते हैं। हो सकता है बहुत से बिजनेस में क्वार्टरलीज बनती हैं, बहुत से बिजनेस में मंथली बनती है, बहुत से बिजनेस में ईयरली बनती है। ठीक है, बट जो जैसे कि हमारा जो स्टैंडर्ड टर्म क्या होता है, हम लोग बैलेंस शीट अपने एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, जिससे कि वो क्या हो सके, ऑडिट हो सके। तो हर बिजनेस को अपने अकाउंटिंग ईयर के एंड पे, अपने अकाउंटिंग ईयर के एंड पे बैलेंस शीट बनानी होती है। और बैलेंस शीट जो होती है वो लास्ट डे पे बनती है, जैसे कि 31 मार्च, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो कब से कब होता है, 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनाते हैं वही हमारी फाइनल बैलेंस शीट मानी जाती है। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो चलो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ जो भी हमारी कंपनी का नाम है। अब इस क्वेश्चन में कोई भी कंपनी का नाम नहीं दे रखा हुआ है, या फिर मतलब ना हमारे प्रोप्राइटर का नाम दे रखा है। तो बैलेंस शीट ऑफ डैश डैश मैंने लिख दिया, जिसकी भी मैं बना रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर डेट बना रहा हूँ, तो एज एट लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे को डेट भी नहीं दे रखी है, तो मैंने क्या करा, डैश डैश करके छोड़ दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, मैंने क्या करा, अपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करा। ठीक है, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड होता है इसको मैं बोल देता हूं अपना लाइबिलिटीज। ठीक, लाइबिलिटीज, और मैं यहां पे एक बना देता हूं लाइबिलिटीज का कितना अमाउंट है उसके लिए एक कॉलम। मेरे बिजनेस के कितने एसेट्स हैं वो मैं यहां पे लिख दूंगा राइट हैंड साइड पे, और उसका क्या अमाउंट है उसके लिए एक कॉलम। तो मैंने क्या करा, 4 कॉलम्स बना दिए। ठीक है, आप लोगों को जो ये कॉलम्स होते हैं वो स्केल से बनाने हैं, तो मेक श्योर आप लोगों के पास एक अच्छा सा स्केल हो और आप लोग ये जो कॉलम्स है वो स्केल से ड्रॉ करें। और प्रेफर करिएगा जो ये कॉलम्स आप लोग ड्रॉ करते हैं ना वो पेंसिल से ड्रॉ करें, पेंसिल से कॉलम ड्रॉ करने की आदत डालिए। ठीक है, आगे चल के बहुत हेल्प होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग बहुत बड़े बड़े कॉलम्स खींच देते हैं अननेसेसरीली, अब मेरा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा और मैंने पूरे पेज का कॉलम ड्रॉ कर दिया। पेंसिल से क्या होता है, हम लोग उसको इरेज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पेन से क्रिएट कर दिया था, मैं इस कॉलम को इरेज नहीं कर सकता, तो अननेसेसरीली मेरे को पेज यूज नहीं करना है। हमें अपने प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है कि हमें एग्जाम में कैसे अपना आंसर अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो कोशिश करिएगा हमेशा से एक पेंसिल और एक स्केल आप अपने पास रखें। ठीक है, तो चलो बच्चे, सर ये लाइबिलिटीज लिख दिया आपने, ये एसेट्स लिख दिया, बट सर कैपिटल आपने कहाँ लिखा? बच्चे लाइबिलिटीज में ही कैपिटल आता है। सर कैपिटल लाइबिलिटीज में क्यों आता है? बच्चे कैपिटल भी तो हमें अल्टीमेटली एक ना एक दिन ओनर को पे करना होता है, तो कैपिटल भी हमारा बिजनेस का एक तरीके से लाइबिलिटी तो है। अगर मैं याद करिए, अगर हम लोगों ने जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा था कि ओनर इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम द बिजनेस, तो जो ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में वो भी तो हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी तो है, वो भी तो मेरे को एक ना एक दिन बिजनेस को एक ना एक दिन रीपे करना है। तो कैपिटल जो होता है वो हमारा लाइबिलिटीज के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, और हमेशा हम लोग सबसे पहला टर्म क्या लिखते हैं, कैपिटल ही लिखते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, कैपिटल। ठीक है, मैंने लिखा कैपिटल, और मैंने क्या करा, पीछे से अपने अकाउंटिंग इक्वेशन खोली और उठा के यही फिगर पीछे वहां पे लिख दी। तो मैंने कितना लिखा, 1,74,000 रुपीज का जो कैपिटल आ रहा था वो एज इट इज मैंने लिख दिया यहां पे। कैपिटल का अमाउंट कितना है, 1,74,000 रुपीज का मेरा कैपिटल का अमाउंट है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट जो था मेरा क्या है, बिजनेस के क्रेडिटर्स हैं, वो भी मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स का जो अमाउंट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 12,000 रुपीज का।
फ्रेटर्स का जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12,000 रुपीज का। फिर मेरे बिजनेस में कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज मेरी कितनी थी, 1,000 रुपीज की, वो भी मेरी क्या थी, बिजनेस की लायबिलिटी। फिर मेरा क्या था, कमीशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने कुछ कमीशन एडवांस में रिसीव करा था, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना रिसीव करा था एडवांस में, 4,000 रुपीज का, ठीक है, 4,000 रुपीज का एडवांस कमीशन था। प्लस मैंने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी रिसीव करे, तो जो मेरा लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन होगी, बस वो मेरे को क्या करना है, बैलेंस शीट में कॉपी कर देनी है। मेरे को कुछ भी नहीं करना है, वो फिगर्स उठा के बस और नाम उठा के बस बैलेंस शीट पे लिख देने, ठीक है। तो मैंने अपने सारे लायबिलिटी साइड के लिख लिया। अब एसेट साइड में मेरे पास क्या क्या था, कैश था, कैश का कितना अमाउंट मेरा बच रहा था लास्ट में, 51,000 रुपीज का। फिर क्या है, मेरा बिजनेस में स्टॉक है, स्टॉक कितना है, 54,000 रुपीज का, ठीक है। फिर फर्नीचर है, फर्नीचर जो मेरा बिजनेस में वो कितना है, 72,000 रुपीज का, फर्नीचर भी मैंने लिख दिया। फर्नीचर के बाद जो मेरा है वो है मेरे बिजनेस के डेटर्स, मेरे बिजनेस के डेटर्स कितने हैं, 18,000 रुपीज के। और जो मेरा क्या है, प्रीपेड रेंट है, या एडवांस रेंट आप बोल सकते हो, प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट कितना दे रखा हुआ है, 2,000 रुपीज का, ठीक है, प्रीपेड रेंट 2,000 रुपीज का। मैंने अपने सारे के सारे एसेट्स भी लिख लिया। अब मेरे को क्या करना है, इसका टोटल कर देना है और इंश्योर करना है कि इसका टोटल हमेशा मैच होना चाहिए। जब मैं इसका टोटल करूंगा तो इसका टोटल कितना निकल के आएगा, अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो टोटल विल कम 1,74,000 प्लस 12,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000। तो मेरा लायबिलिटी साइड का जो टोटल आ रहा है वो 1,97,000 है, और मेरे को इंश्योर करना है कि एसेट साइड का भी सेम होना चाहिए। तो 51,000 प्लस 54,000 प्लस 72,000 प्लस 18,000 प्लस 2,000, तो 1,97,000 मेरा इधर का भी आ जाएगा। तो मेरी बैलेंस शीट का हमें इंश्योर करना है कि हमेशा टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर टोटल इक्वल नहीं आ रहा तो हमने कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखी है। बैलेंस शीट का हमेशा लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल इक्वल होना चाहिए, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, जैसे कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में हो रहा है, ठीक है। तो सर क्या बैलेंस शीट बनाना इतना आसान होता है? हाँ बच्चे, हाँ, बस हमें अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को इस फॉर्मेट में रख देना है। हमें अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को इस फॉर्मेट में अगर मैंने रख दिया तो मेरी बैलेंस शीट बनके तैयार हो जाएगी। सर सर, हाँ बच्चे, हाँ सर, ये तो बहुत ईजी था। हाँ बच्चे, हाँ मेरे को पता है। तो सर अब हमें क्या करना होगा? तो बच्चे अब हम लोग चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करता। तो चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड शो दैट द बोथ साइड्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स इक्वल। सो हमारा जो ट्रांजैक्शन नंबर ए दे रखा हुआ है, इंट्रोड्यूस रुपीज 8 लाख एज कैश एंड 50,000 रुपीज बाय स्टॉक, परचेज प्लांट फॉर रुपीज 3 लाख बाय पेइंग रुपीज 15,000 इन कैश एंड बैलेंस एट अ लेटर डेट, डिपॉजिटेड रुपीज 6 लाख इन टू द बैंक, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख एंड मेड पेमेंट बाय चेक, परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 फॉर कैश एंड फॉर रुपीज 35,000 इन क्रेडिट, गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 45,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 60,000 ऑन कैश बेसिस, गुड्स कॉस्टिंग टू, बच्चे ये टू को काट देना, ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 80,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,25,000 ऑन क्रेडिट, चेक इशूड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 35,000, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू रुपीज 75,000 एंड जो लास्ट हमारा क्या है, विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज रुपीज 25,000। तो ये सब ट्रांजेक्शन्स को हमें अपने अकाउंटिंग की इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है, हमें अपनी अकाउंटिंग की इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करना है। तो चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। मैंने क्या करा, एक लाइन छोड़ी और ट्रांजैक्शन नंबर ए को इनकॉर्पोरेट करता हूं।
तो क्या दे रखा हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 8 लाख एस कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक। तो मैंने क्या करा, 8 लाख कैश लिख दिया यहाँ पे, 8 लाख रुपीज का कैश है एंड 50,000 बाय स्टॉक। 50,000 रुपीज का मैंने क्या करा, स्टॉक लेकर आया हूँ मैं बिजनेस में, ठीक है, 50,000 रुपीज का स्टॉक एंड 8 लाख रुपीज का मेरा कैपिटल, सॉरी 8 लाख रुपीज का मेरा कैश। तो मेरा कैश प्लस स्टॉक मैंने लिख दिया यहाँ पे, और मेरा टोटल कैपिटल कितना बन जाएगा, मेरा कैपिटल कितना बन जाएगा, 8 लाख 50,000 रुपीज का मेरा कैपिटल बन के आ गया। फिर जो मैंने एक ट्रांजैक्शन करा कि परचेज्ड प्लांट फॉर रुपीज 3 लाख बाय पेइंग रुपीज 15,000 इन कैश एंड बैलेंस एट अ लेटर डेट। मैंने क्या करा, बिजनेस के लिए एक प्लांट परचेज करा। प्लांट हमारा क्या होता है, बिजनेस का एक एसेट होता है, ठीक है। 3 लाख रुपीज का मैंने प्लांट परचेज करा, तो मैंने क्या करा, 3 लाख रुपीज से प्लांट की वैल्यू इंक्रीज कर दी, एक एसेट लेकर आया। 3 लाख जो ये मैंने परचेज करा, 3 लाख का जो ये मैंने प्लांट परचेज करा, 15,000 रुपीज मैंने इसमें क्या कर रखा है, कैश में पे करा, तो मैंने अपना कैश माइनस कर दिया। तो मेरे पास अब कैश कितना बचेगा, 7,85,000 रुपीज प्लस 50,000 के स्टॉक। तो 3 लाख में मैंने 15,000 कैश पे करा है, तो बाकी मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट में परचेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2,85,000 लिख दिया, मेरा कैपिटल एज इट इज रहेगा, मेरा कैपिटल एज इट इज रहेगा। तो कैपिटल प्लस मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्रेडिटर्स फॉर एसेट, क्रेडिटर्स फॉर एसेट। मैंने क्या करा है, अपना एसेट जो है वो क्रेडिट में परचेज करा है, ठीक है। अब बचे एक चीज मेरे को समझने की कोशिश करना, जो मेरे को एक चीज आपको अब एनालिसिस कराना है। अब आप लोग बड़े बड़े बच्चे हो रहे हो धीमे धीमे, तो मेरे को ट्रांजेक्शन्स को भी एनालाइज कराते हुए चलना है। बच्चे इस क्वेश्चन में सोचना कि मैंने जो अगर प्लांट जो 3 लाख का परचेज करा है, कि ये अज्यूम कर लो ये प्लांट से 15,000 रुपए का, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना बच्चे, मैंने 15,000 का प्लांट 15,000 कैश दे के परचेज करा। अगर क्वेश्चन मेरे से एक्सपेक्ट क्या करता है, अगर मेरे क्वेश्चन मेरे से ये पूछता कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट निकाल के दिखाओ कि हमारे टोटल एसेट्स में क्या होगा, इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारे टोटल एसेट्स में क्या होगा, तो बच्चे समझने की कोशिश करना। अगर 15,000 का प्लांट होता तो मेरे से क्या होता, 15,000 रुपये मेरे पास कैश जा रहा होता और 15,000 रुपये का मेरे पास प्लांट आ रहा होता। एक इंडिविजुअल एसेट कम हो रहा है तो दूसरा इंडिविजुअल एसेट बढ़ भी तो रहा है, तो टोटल एसेट में तो कोई भी इंपैक्ट होना नहीं चाहिए ना। तो बच्चे जैसे कि हमने क्या करा, इसमें 3 लाख रुपीज का प्लांट परचेज करा है, तो बच्चे 15,000 रुपए से मेरा एसेट कम हो रहा है, तो 3 लाख रुपए से मेरा एसेट बढ़ रहा है, मतलब 15,000 जो ये है वो इस 3 लाख में अब जाके इनकॉर्पोरेट हो गया होगा। मतलब 15,000 के मैंने एसेट्स कन्वर्ट कर दिया इसमें प्लांट में, मतलब मैंने अपने कैश को प्लांट में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं इसको बोलूं तो क्या लिख सकता हूं, कन्वर्जन ऑफ वन एसेट इंटू अनदर। अगर इस ट्रांजैक्शन का और अच्छे से मैं इंपैक्ट निकालना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरे 15,000 के एसेट्स कम हो रहे हैं प्लस मेरे 3 लाख के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो मेरे नेट में कितने एसेट्स इंक्रीज हुए होंगे, 2,85,000 रुपीज के। वही बच्चे मैंने मेरे बिजनेस की लाइबिलिटीज भी हो गई। तो इस ट्रांजैक्शन में मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे बिजनेस के एसेट्स 2,85,000 रुपीज से इंक्रीज हुए हैं, तो मेरे बिजनेस के जो टोटल एसेट्स है वो इंक्रीज हुए, इंक्रीज, ठीक है। तो सर हम लोगों ने ये ट्रांजैक्शन एनालाइज कर लिया, तो बच्चे चलो अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे अब हम लोग चलते हैं। तो बच्चे जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखा हुआ है, डिपॉजिटेड रुपीज 6 लाख इनटू द बैंक। 6 लाख रुपीज मैंने डिपॉजिट करे बैंक पे, तो बच्चे कहां से करे होंगे, मैंने अपने पास से कैश निकाला होगा, कैश मैंने अपने गुल्लक से निकाला, तो मेरे पास अब कैश कितना बचा रह गया होगा, 1,85,000 रुपीज का। और जो वो 1,85,000 में से 1,85,000 का बचा और 6 लाख रुपए जो मैंने निकाले, जो मैंने अपने गुल्लक से निकाले, वो कहाँ पे जमा कर दिए, बैंक में। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 50,000 प्लस 3 लाख, ओके 3 लाख मेरे प्लांट एज इट इज रहेगा। और मैंने ऊपर क्या लिख दिया, प्लांट प्लस बैंक, ठीक है, मैंने बैंक अकाउंट एक ओपन करा। और मेरे कैपिटल और जो मेरा क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया होगा। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो बच्चे अब इस ट्रांजैक्शन को समझना, मैंने क्या करा, अपना कैश निकाल के कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। तो फिर से देखो बच्चे, मैंने 6 लाख में एक एसेट को कम किया तो दूसरे एसेट को इंक्रीज कर दिया,
अगर मैं इसको अल्टीमेटली बोलूं तो इसको भी तो यही बोल सकता हूं कि कन्वर्जन ऑफ वन एसेट इनटू अनदर, एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो रहा है, एक एसेट अपने फॉर्म को चेंज करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कैश जो चेंज होके बैंक में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बच्चे अगर मेरे से कोई पूछे इस क्वेश्चन में कि आपके टोटल एसेट्स में क्या इम्पैक्ट आया, ये आप बता सकते हैं, तो बच्चे मैं ये बोलूंगा कि मेरे एसेट्स में कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि 6 लाख से मेरा कम हो रहा है तो 6 लाख से मेरा इंक्रीज भी हो रहा है, तो मेरा टोटल एसेट्स पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है सर, ठीक है, हमें ये चीज भी आपकी समझ में आ गई। तो बच्चे ट्रांजेक्शन नंबर डी, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹1 लाख, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड मेड पेमेंट बाय चेक। तो मैंने 1 लाख रुपीज का क्या करा, चेक से पेमेंट करा होगा, तो मेरा बैंक अकाउंट मैंने 1 लाख रुपीज से डिक्रीज करा, प्लस मैंने क्या करा है, एक ऑफिस का फर्नीचर परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1,85,000 का मेरे पास कैश है, 50,000 रुपीज का मेरे पास स्टॉक है, 3 लाख रुपीज का मेरे पास प्लांट है, मेरा बैंक का बैलेंस अब कितना बचेगा, 5 लाख रुपीज का, और जो मैंने क्या परचेज कर रखा है बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए मैंने क्या परचेज करा, फर्नीचर परचेज करा है 1 लाख, मैंने 1 लाख रुपीज यहाँ पे लिख दिया 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चे समझने की कोशिश करना फिर से इस ट्रांजेक्शन को, 1 लाख रुपीज का जो एक एसेट था फिर से मैंने दूसरे एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक एसेट को दूसरे एसेट पे कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा टोटल एसेट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, टोटल एसेट्स मेरा एज इट इज रहेगा, मेरे टोटल एसेट्स में निल इम्पैक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख लिया बैंक प्लस फर्नीचर, फर्नीचर और मेरा कैपिटल और क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो चलो बच्चे ये ट्रांजैक्शन भी हम लोगों ने कर लिया। ट्रांजैक्शन नंबर ई पे आते हैं, परचेज गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश एंड ₹35,000 इन क्रेडिट। तो मैंने 80,000 रुपए के गुड्स कैश में परचेज करे, 35,000 रुपए के गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रखे, तो टोटल परचेजेस मेरी कितनी हुई होंगी गुड्स की, कोई मेरे को बता सकता है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, टोटल परचेजेस हमारी कितनी हुई है, 1,50,000 रुपीज की हुई है, 1,15,000 रुपीज की मैंने टोटल परचेजेस कर रखी है। अब बच्चे 1,15,000 में से 80,000 रुपए की मैंने क्या कर रखी, कैश परचेज करी है, तो मेरा कैश 80,000 से कम हो जाएगा, मेरा कैश जो होगा वो कितने से कम होगा, 80,000 रुपीज से। तो अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं टोटल करके लिखूं तो कितना आएगा, 1,05,000 रुपीज प्लस 1,65,000 रुपीज प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस, अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा फर्नीचर का, 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपीज मैंने यहां पे लिख दिया। अब बच्चे मैंने क्या करा, 1,15,000 में से 80,000 रुपए तो कैश दे दिया, प्लस 35,000 रुपए का मैंने क्रेडिट पे भी तो परचेस कर रखा है, तो मैंने यहां पे लिखा प्लस 35,000 रुपीज, तो 8,50,000 प्लस 2,85,000 प्लस 35,000। ठीक है, और मैंने ऊपर क्या लिख दिया, यहां पे ऊपर क्या लिख दिया, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स मैंने यहां पे क्या लिख दिया, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। फिर मैंने अपना एफ नंबर का ट्रांजैक्शन देखा, एफ नंबर का जो ट्रांजैक्शन था, गुड्स अमाउंटिंग टू 45,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹60,000 ऑन कैश बेसिस। मैंने 45,000 के गुड्स, मैंने 45,000 रुपीज के गुड्स कितने पे सेल आउट कर दिए, 60,000 रुपीज में। तो मेरे बिजनेस से गुड्स कितने जा रहे होंगे, 45,000 रुपीज के गुड्स मेरे बिजनेस से जा रहे होंगे और 60,000 रुपीज का मेरे पास कैश आ रहा होगा। मैंने 45,000 की चीज को 60,000 में सेल आउट करा, तो 45,000 रुपीज से मेरे पास क्या गुड्स गए और 60,000 रुपीज मेरे पास क्या हो गया, कैश आ गया। तो टोटल कैश मेरे पास अब कितना हो जाएगा, 1,65,000 रुपीज। मेरे पास जो स्टॉक होगा वो कितना होगा, 1,20,000 रुपीज का स्टॉक हो जाएगा। 3 लाख रुपीज के मेरे पास क्या होंगे, प्लांट्स होंगे। 5 लाख रुपीज का बैंक प्लस 1 लाख रुपीज का अभी भी मेरे पास क्या है, फर्नीचर है। 1 लाख रुपीज का अभी भी क्या है, मेरे पास फर्नीचर है। तो बच्चे जो 45,000 की चीज मैंने 60,000 में सेल आउट करी, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 15,000 रुपए का। मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 15,000 रुपए का। वो मैं क्या करूंगा, अपने कैपिटल में जाके एडजस्ट कर दूंगा, तो मेरा टोटल कैपिटल 8,65,000 प्लस 2,85,000 का मेरे एसेट्स हो गए क्रेडिटर फॉर एसेट्स, 35,000 रुपीज के मेरे क्रेडिटर्स फॉर गुड्स हो गए,
और मैंने यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दिया, प्रॉफिट। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, प्रॉफिट। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, ट्रांजैक्शन नंबर हम लोग जी पे पहुँच गए। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 80,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 125,000 ऑन क्रेडिट। 80,000 के गुड्स मैंने क्रेडिट पे बेचे हैं, इस बार उधार पे बेचे हैं, कितने पे, 1,25,000 पे। तो बच्चे 80,000 के गुड्स तो मेरे बिजनेस से जा रहे हैं, मैंने माइनस कर दिया 80,000 रुपीज, मैंने माइनस कर दिया। प्लस क्या हो रहा है, 1,25,000 रुपये पे मैंने बेचे हैं, तो मेरे बिजनेस के डेटर्स इंक्रीज हो रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,25,000 रुपीज। ठीक है, 1,25,000 रुपीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चे 80,000 की चीज़ मैंने 1,25,000 रुपये बेची है, 80,000 रुपये की चीज़ 1,25,000 रुपये बेची है, तो मेरे जो बिजनेस के मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 45,000 रुपीज का। तो मैंने 45,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो अपने कैपिटल में जाके, 45,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो मैंने अपने कैपिटल में जाके ऐड कर दिया। तो मेरा जो टोटल कैपिटल कितना आ गया, 9,10,000 रुपीज का। 2,85,000 रुपीज के क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स होंगे और 35,000 रुपीज के क्रेडिटर्स फॉर गुड्स है। कैश में कोई भी चेंज नहीं होगा और जो मेरे बाकी बचे हुए एसेट्स हैं उनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने उसको एज इट इज फिर से कॉपी कर दिया। ठीक है, मैंने एज इट इज उसको फिर से लिख दिया। तो ट्रांजैक्शन नंबर अब हम लोग किस पे पहुंच गए, एच पे। तो एच पे क्या दे रखा हुआ है, चेक इशूड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वॉर्थ 35,000। मैंने क्या करा, 35,000 रुपीज की एक चेक इशू कर दिया। तो चेक बच्चे मैं कहां से इशू करूंगा, अपने बैंक अकाउंट से। 35,000 रुपीज की मैंने अपने क्रेडिटर्स फॉर गुड्स को चेक इशू कर दी, तो मेरे क्रेडिटर्स फॉर गुड्स तो अब क्या हो गए, फिनिश हो गए। तो 9,10,000 प्लस 2,85,000 इज इक्वल टू 1,65,000 प्लस 40,000 प्लस 3,00,000 प्लस 4,65,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,25,000। तो हम लोगों ने अपने ट्रांजैक्शन नंबर एच को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को भी चलो आपको एनालाइज करा के दिखाता हूं, तो 35,000 रुपए के, 35,000 रुपीज की मेरे क्या हो रहे हैं, एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, मेरे एसेट्स माइनस हो रहे हैं कितने, 35,000 रुपीज से। तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपके एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे जो बिजनेस के एसेट्स हैं वो 35,000 रुपीज से क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। मेरे बिजनेस के एसेट्स क्या होंगे, 35,000 रुपीज से रिड्यूस हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। कि जो ट्रांजैक्शन नंबर आई दे रखा हुआ है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू 75,000, मेरे को एक चेक मिला कस्टमर से 75,000 रुपीज का। तो 75,000 रुपीज मैंने क्या करा, कस्टमर से मैं लेस कर दिया, और जो मेरा चेक मिला है वो मैं क्या करूंगा, अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। और बाकी के बारे, बाकी के जो बचे हुए एसेट्स हैं वो मेरे एज इट इज रहेंगे। तो 1,65,000 रुपीज का कैश प्लस 40,000 रुपीज का स्टॉक प्लस 3,00,000 रुपीज का प्लांट प्लस, अगर मैं इसको ऐड करूं तो मेरा बैंक का बैलेंस आ जाएगा 5,40,000 रुपीज प्लस मेरे पास 1,00,000 के फर्नीचर हैं, और मेरे बचे हुए डेटर्स अब कितने रह जाएंगे, मेरे बचे हुए डेटर्स कितने हो जाएंगे, 50,000 रुपीज के। ठीक है, डेटर्स मेरे बचे हुए कितने हो जाएंगे, 50,000 रुपीज के। यहाँ पे शायद मैं पहले डेटर्स लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे डेटर्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये ट्रांजैक्शन भी इनकॉर्पोरेट कर लिया और मेरा कैपिटल एज इट इज रहेगा और मेरे क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स भी एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, मैंने अपना ट्रांजैक्शन नंबर आई भी रिकॉर्ड कर लिया। अब जो मेरा जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या है, विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। जो भी पैसा ओनर निकालता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, वो मेरे बिजनेस की क्या हो जाती है, ड्रॉइंग्स जो होती है वो हम लोग कहाँ इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, अपने कैपिटल में। 25,000 रुपीस की मैंने क्या करी, ड्राइंग्स करी हैं, और ड्राइंग्स मैंने किस फॉर्म में कर रखी हैं, कैश के फॉर्म में कर रखी हैं। तो मैंने यहां से 25,000 माइनस करा, तो मेरे पास अब बिजनेस में कैश कितना बचा होगा, मेरे पास बिजनेस में कैश कितना रह गया होगा, अगर मैं इसको निकालूं तो ये आएगा 1,40,000 रुपीस
प्लस 40,000 रुपीस के मेरे पास स्टॉक बचा है, 3 लाख रुपीस का मेरे पास प्लांट है, प्लस 5,40,000 रुपीस का मेरा क्या है बैंक का बैलेंस, प्लस 1 लाख रुपीस के फर्नीचर है मेरे पास, और प्लस 50,000 रुपीस का मेरे पास क्या है डेटर्स है। और जो मेरे कैपिटल अब कितना हो जाएगा, मेरा कैपिटल अब कितना रह जाएगा, 8,85,000 रुपीस का कैपिटल हो जाएगा, प्लस 2,85,000 के मेरे पास क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स होंगे। और जो मेरा और जो मेरे एसेट्स हैं वो बाकी सब ये हो जाएंगे। ठीक है सर, सर हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। हाँ बच्चे, हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन सर बहुत इजी से था। हाँ बच्चे हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि हमें बैलेंस शीट बनानी है, बट मैं आप लोगों के लिए क्या होमवर्क होगा, इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन की आप लोगों को बैलेंस शीट भी बनानी है, जिससे कि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो बैलेंस शीट के लिए अप्रोक्सीमेटली हाफ पेज आप लोग लीव कर दीजिएगा, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14, हबीब उल्लाह सादिक इज होलसेल ट्रेडर, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग इक्वेशन, कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख एंड लैंड रुपीज 50,000, बॉट मर्केंडाइजिंग फॉर कैश रुपीज 80,000। बच्चे मर्केंडाइजिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे बिजनेस के गुड्स हैं उसको हम लोग मर्केंडाइज भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं गुड्स। तो बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 80,000, कैश सेल्स ऑफ वर्थ रुपीज 25,000, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलमान ऑफ वर्थ रुपीज 50,000, सेल्स ऑन अकाउंट टू अली राजा रुपीज 12,000, परचेज्ड फर्नीचर ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 5,000 बाय कैश, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अली राजा ऑफ रुपीज 10,000, रिटर्न्ड डिफेक्टिव फर्नीचर ऑफ वर्थ रुपीज 1,500, पेड वेजेस रुपीज 1,000, रेंट 2,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल इज रुपीज 1,500। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल कितना है, 1,500 रुपीज का है। ठीक है, तो चलो जी इस पे भी हम लोग एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना के देखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाने की कोशिश करता। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 14। कोई भी क्वेश्चन को हमें शुरू करने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें अपनी अकाउंटिंग की इक्वेशन लिखनी चाहिए। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। और फिर मैंने क्या करा, एक लाइन लीव करी और ट्रांजैक्शन नंबर ए को रिकॉर्ड करा। तो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख एंड लैंड रुपीज 50,000। तो बिजनेस जो कमेंस करा, मैं कैश कितना लेकर आया 2 लाख रुपीज का, प्लस लैंड कितना लेकर आया 50,000 रुपीज का। तो कैश मैंने यहां लिख दिया कैश प्लस लैंड, कैश प्लस लैंड, और टोटल अमाउंट मैंने कितना बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल कितना लेकर आया हूँ, टोटल 2,50,000 रुपीज का मेरे पास टोटल कैपिटल है। फिर मैंने क्या करा, ट्रांजैक्शन नंबर बी में कुछ गुड्स परचेस करें, बॉट मर्केंडाइजिंग फॉर कैश रुपीज 80,000। मैंने जो गुड्स परचेस करें वो किस पे करें, कैश पे परचेस करें, तो 80,000 मैंने क्या करा, कैश में से माइनस कर दिया। तो मेरे पास कैश कितना बचा रह गया होगा अब, 1,20,000 रुपीज का। लैंड मेरा एज इट इज रहेगा, 80,000 रुपीज के मैंने क्या करा है, गुड्स परचेस करें, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस गुड्स। ठीक है, इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, कन्वर्जन ऑफ वन एसेट इनटू अनदर, इट मींस देयर विल बी नो चेंज इन द टोटल एसेट्स। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2,50,000 रुपीज मेरा कैपिटल एज इट इज रहेगा। ठीक है, मैंने ट्रांजेक्शन नंबर बी को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। फिर ट्रांजैक्शन नंबर सी में क्या दे रखा है कि कैश सेल्स ऑफ वर्थ रुपीज 25,000। मैंने कैश सेल्स करी है 25,000 रुपए की, बट सर इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉफिट के बारे में तो दे ही नहीं रखा है। हाँ बच्चे हाँ, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट तो दे ही नहीं रखा है कि मैंने कितने के गुड्स कितने पे बेचे ये तो बता ही नहीं रखा है, प्रॉफिट के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा है। तो सर हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब बच्चे क्वेश्चन में जो दे रखा है हमें वैसे ही करना है। हम ये मान लेंगे कि हमने अपने गुड्स को कॉस्ट पे ही बेच दिया, हम यही मान लेंगे कि अपने गुड्स को हमने कॉस्ट में बेच दिया। तो सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अब बच्चे एक बात मेरी समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन जो हमारा होता है ना वो भगवान का रूप होता है, तो हम लोग कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं बोल सकते।
और हम लोग कभी भी अपने क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते। तो जो क्वेश्चन में दिया है हमें वो चीज़ करनी है, ठीक है, जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है वो हमें करनी है। तो सर सर हमें इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना होगा? बच्चे कैश सेल्स ऑफ वर्थ रुपीज 25,000, तो ये दे रखा हुआ है कि 25,000 रुपए के मेरे पास से गुड्स गए, ठीक है, और 25,000 रुपए मेरे पास कैश आ गया होगा 25,000 रुपीज, सिंपल सर। सो मैंने बिजनेस में अब मेरा टोटल कैश कितना हो गया होगा 1,45,000 रुपीज का, प्लस 50,000 रुपीज का मेरे पास बिजनेस में लैंड हो गया होगा, और मेरे पास जो गुड्स बचे होंगे वो कितने के बचे होंगे, 55,000 रुपीज के मेरे पास अभी गुड्स बचे होंगे। मेरा टोटल कैपिटल कितना है, 2,50,000 रुपीज का हो गया होगा, ठीक है, टोटल कैपिटल मेरा एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर डी जो दे रखा हुआ है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलमान ऑफ वर्थ रुपीज 50,000, मैंने गुड्स परचेज करे किस पे, क्रेडिट पे, ठीक है, मैंने गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे 50,000 रुपीज के, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस 50,000, और मैंने किससे परचेज करे, सलमान से, तो 50,000 रुपए के मेरे पास क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। मेरा जो कैपिटल होगा वो एज इट इज रहेगा, मैंने ऊपर क्या लिख दिया यहाँ पे, क्रेडिटर्स लिख दिया, ठीक है, और मेरे जो टोटल गुड्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1,05,000 रुपीज, 50,000 रुपीज का मेरे पास लैंड, 1,45,000 रुपीज का मेरे पास कैश है, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी, तो ट्रांजैक्शन नंबर ई पे आते हैं हम लोग, सेल्स ऑन अकाउंट टू अली राजा, मैंने अली राजा को सेल करी है, और ऑन अकाउंट का मतलब क्या है, मैंने क्रेडिट पे सेल करी है। जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो कि मैंने सेल्स कैश पे करी है, जब तक कैश वर्ड का यूज ना हो तब तक हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हमने जो सेल्स करी है वो क्रेडिट पे करी है। सिमिलरली परचेज के केस में भी यही होता है, अगर जब तक क्वेश्चन में कुछ लिखा ना हो तब तक हम लोग ये नहीं अज्यूम करते हमने कैश में परचेज कर रखा है, या फिर जिस बंदे से, मतलब जिस बंदे से हम परचेज कर रहे हैं, जिस सप्लायर से परचेज कर रखे हैं, अगर उसका नाम दे रखा हुआ है तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये जो परचेज करी है वो हमने क्रेडिट पे करी है। सिमिलरली जिसको भी मैंने गुड सेल करे और उसका नाम दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे हमने जो सेल करी है वो क्रेडिट पे करी है, अनटिल एंड अनलेस कैश वर्ड यूज नहीं है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कैश का वर्ड यूज नहीं है तब तक हम लोग ये मानते हैं कि हम लोगों ने जो सेल्स करी है वो क्रेडिट पे कर रखी है। तो इसमें क्या था, सेल्स ऑन अकाउंट टू अली राजा रुपीज 12,000, मैंने अली राजा को सेल करी है 12,000 रुपए की, तो बच्चे 12,000 रुपए मैंने गुड्स पे लेस कर दिया और 12,000 रुपए से मैंने अपने डेटर्स इंक्रीज कर लिए होंगे, मैंने 12,000 रुपीज से अपने डेटर्स इंक्रीज कर लिए होंगे, तो मैंने यहां लिख दिया क्या, डेटर्स, और फिर से मैंने क्या करा, कैश 1,45,000, 50,000 रुपीज का लैंड, प्लस अब जो मेरे पास गुड्स बचे होंगे वो कितने होंगे, 93,000 के, कैपिटल 2,50,000, प्लस 50,000 रुपीज के मेरे पास क्रेडिटर्स रहेंगे। तो सर हमें ये ट्रांजैक्शन भी समझ में आ गया। तो बच्चे चलो अब हम लोग एफ नंबर पे पहुंचते हैं, परचेज फर्नीचर ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 5,000 बाय कैश, मैंने फर्नीचर परचेज करा 5,000 रुपीज का, तो मैंने कैश पे करा, कैश पे करा तो मेरा कैश रिड्यूस होकर अब कितना बचा, 1,40,000 रुपीज, 50,000 का लैंड एज इट इज रहेगा, 93,000 के गुड्स, 12,000 के डेटर्स, और जो मैंने फर्नीचर परचेज करे वो कितने, 5,000 रुपीज के, और मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिख दिया, फर्नीचर प्लस फर्नीचर, और जो मेरा कैपिटल और क्रेडिटर्स एज इट इज रहेंगे, कोई भी फर्क इसमें नहीं आने वाला। मैंने ट्रांजैक्शन नंबर एफ को भी अपने रिकॉर्ड कर लिया। फिर क्वेश्चन ट्रांजैक्शन नंबर जी क्या दे रखा हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अली राजा 10,000 रुपीज, तो अली राजा को मैंने क्या कर रखा था, ट्रांजैक्शन नंबर ई में सेल करी थी 12,000 रुपए की, उससे मेरे को 10,000 रुपए कैश मिला, तो मतलब बच्चे मेरे बिजनेस में 10,000 से डेटर्स रिड्यूस हुए प्लस कैश 10,000 रुपीज से इंक्रीज हो गया होगा। हमें बच्चे ये समझना है कि हमारे बिजनेस में क्या आया और क्या गया, हर ट्रांजैक्शन में मेरे को यह समझना है कि मेरे बिजनेस में क्या आया और क्या गया, और उस आने और जाने के पीछे का रीजन क्या है, मेरे बिजनेस में क्या आया और मेरे बिजनेस से क्या गया, और उसके आने और जाने के पीछे क्या रीजन है। अगर मेरे को ये चीज समझ में आ गई तो मेरे को कोई भी ट्रांजैक्शन में दिक्कत नहीं आने वाला। तो बच्चे इस ट्रांजैक्शन के बाद जो हमारी फिगर्स हो जाएंगी वो कितनी होंगी, 1,50,000 रुपीज
प्लस 50,000 प्लस 93,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 रुपीस का फर्नीचर, और जो मेरा कैपिटल और क्रेडिटर्स है वो एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो ट्रांजैक्शन नंबर जी को भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ट्रांजैक्शन नंबर एच, रिटर्न डिफेक्टिव फर्नीचर ऑफ वर्थ रुपीज 1500, रिटर्न डिफेक्टिव फर्नीचर ऑफ वर्थ रुपीज 1500। मैंने जो मेरा फर्नीचर मैं परचेज करके लाया था उसमें से 1500 रुपए के जो फर्नीचर थे वो डिफेक्टिव निकल आए। मैंने क्या करा, शॉपकीपर को वो 1500 रुपए का फर्नीचर वापस कर दिया और उससे कहा कि मेरे मैंने जो भी कैश पे कर रखा है वो मेरे को वापस कर दो। तो बच्चे मेरे पास 1500 रुपए फिर से कैश वापस आ गया होगा और मेरे बिजनेस से 1500 रुपए का फर्नीचर चला गया होगा। 1500 रुपए का मेरे बिजनेस से फर्नीचर गया प्लस कैश मेरे बिजनेस में कितना आ गया, 1500 रुपए। अगर मैं इसको देखूं मेरा कितना आ जाएगा, 1,51,500 प्लस 50,000 प्लस 93,000 प्लस 2,000 प्लस 3,500, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,50,000 प्लस 50,000। इसमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। फिर जो मेरा लास्ट ट्रांजैक्शन दे रखा हुआ है, पेड वेजेस रुपीज 1,000, रेंट रुपीज 2,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल, मतलब वेजेस और रेंट तो मैंने पे कर दिए हैं बट अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल है। तो बच्चे मैंने एक्चुअली में कैश कितना पे कर रखा है, 1,000 रुपीज प्लस 2,000 रुपीज, मैंने 3,000 रुपीज टोटल कैश पे कर रखा है, मतलब मैंने वेजेस और रेंट को कैश पे कर रखा है, ठीक है, और 1,500 रुपीज का जो है वो स्टिल पेबल है। तो मेरा टोटल एक्सपेंस मेरे को बता सकते हो कितना होगा, 2,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500, टोटल एक्सपेंस कितना होगा 4,500 का। तो जो मेरा एक्सपेंस होता है वो हम लोग कहां रिड्यूस कर देते हैं, अपने कैपिटल में। जो मेरा एक्सपेंस होता है वो हम लोग कहां रिड्यूस कर देते हैं, अपने कैपिटल में। तो 4,500 रुपीज से मैंने क्या करा, 4,500 रुपीज से अपना कैपिटल रिड्यूस करा। तो ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, वेजेस रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 2,45,500 प्लस 50,000 प्लस मेरे क्या होंगे, 1,500 से अब आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्रीज हो जाएगा, इज इक्वल टू 1,48,500, और मेरे बाकी के जो एसेट्स होंगे उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो सब एज इट इज रहेंगे, ठीक है, 2,000 रुपीज प्लस 3,500। अगर मैं अपने अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल चेक करूं तो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पे मैच हो जाएगा। और मैंने क्या करा, ऊपर मैंने एक चीज लिखना मैं भूल गया हूं, यहां पे लिख देता हूं, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो मैंने यहां पे लिख दिया। बच्चे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो चलो बच्चे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,50,000, ठीक है, सुनील ने बिजनेस स्टार्ट करा 1,50,000 रुपीज से। Opened a bank account by depositing rupees 25,000 out of cash. He sold his personal car for rupees 50,000 and deposited the amount in the firm's bank account. He purchased a building and furniture for rupees 1 lakh. He purchased goods from Ram on credit rupees 50,000. He paid cartage rupees 500. He sold to Shyam on credit goods costing rupees 6,000 for rupees 9,000, received rent from tenants rupees 1,000, received security deposits from tenant rupees 1,500, purchased stationery for cash 100, invested in shares personal rupees 50,000, received interest in cash rupees 200, introduced fresh capital rupees 25,000, goods destroyed by fire
₹500, ठीक है। ये सब ट्रांजैक्शंस दे रखे हुए हैं और हमें इन ट्रांजैक्शंस को अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस में इनकॉर्पोरेट करना है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा सॉल्व करने जा रहे हैं, 16। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें हमें क्या करना है, अपना अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। अब बच्चे इस क्वेश्चन में मेरे से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करना है और मेरे को एक बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है साथ ही साथ। तो बच्चे चलो शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मैं बीच में दो लाइन छोड़ देता हूँ जिससे कि मैं ट्रांजेक्शन की डिटेल लिख सकूँ। तो सबसे पहले मेरा क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 150,000 रुपीज। तो 150,000 रुपीज का मेरा क्या आ गया, कैश आ गया। मैंने यहाँ पे कैश लिख लिया और कैपिटल कितना है, 150,000 रुपीज, ठीक है। 150,000 रुपीज इन्होंने इन्वेस्ट करा बिजनेस में। फिर इन्होंने क्या करा कि ओपेंड अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग रुपीज 25,000 आउट ऑफ कैश। 25,000 रुपए इन्होंने क्या करा, अपने गुल्लक से निकाला, गुल्लक से निकाला, कैश निकाला, अपने बॉक्स से, कैश बॉक्स से निकाला और जाके बैंक में सबमिट करा और अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करा। तो 1,25,000 प्लस 25,000 और मेरा कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, दैट इज 1,50,000 रुपीज। फिर इन्होंने क्या करा कि ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर रुपीज 50,000 एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। उन्होंने क्या करा, अपनी कोई पर्सनल कार बेच दी और बेच के जो भी सेल्स प्रोसीड मिले, जो भी पैसा मिला, उन्होंने क्या करा, फर्म के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। बच्चे समझना कि उन्होंने अपनी कोई पर्सनल कार सेल करी है, बिजनेस की कार नहीं सेल करी है, पर्सनल कार उन्होंने सेल करी, उन्होंने पैसा मिला और उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो बच्चे ये एक तरीके का क्या है, एडिशनल कैपिटल है बिजनेस के लिए। अगर वो बिजनेस के एसेट सेल करके पैसा बिजनेस में आता तो वो हमारा क्या होता, बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता। पर ये क्या है, पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन है और जो भी पैसा आया उन्होंने क्या करा, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक एडिशनल कैपिटल हो गया। तो 50,000 रुपीज क्या हुआ, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ। 50,000 रुपीज उन्होंने क्या करा, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और जो हमारा कैपिटल है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 50,000 रुपीज से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टोटल कैपिटल 2,00,000 रुपीज का, 50,000 के ब्रैकेट में मैं क्या लिख सकता हूँ, एडिशनल कैपिटल। मेरे पास कैश कितना है, 1,25,000 रुपीज प्लस 75,000 रुपीज मेरे पास क्या है, बैंक में, ठीक है, 75,000 रुपीज मेरे पास बैंक में। फिर जो ट्रांजैक्शन नंबर डी दे रखा हुआ है कि ही परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर रुपीज 1,00,000, तो इन्होंने क्या करा, 1,00,000 रुपए का बिल्डिंग और फर्नीचर परचेज करा। तो 1,00,000 रुपीज मैंने क्या करा, कैश में से माइनस कर लिया। तो मेरे पास अब कैश कितना बचेगा, 25,000 रुपीज का कैश मेरे पास बचा, 75,000 रुपीज मेरे पास बैंक के अकाउंट में, ठीक है, प्लस मैंने बिल्डिंग एंड फर्नीचर परचेज करा 1,00,000 रुपीज का। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग एंड फर्नीचर कितना, 1,00,000 रुपीज। कैपिटल मेरा 2,00,000 रुपीज का एज इट इज। फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट रुपीज 50,000। तो इन्होंने राम से गुड्स परचेज करे किस पे, क्रेडिट पे। तो मेरा कैश एज इट इज रहेगा, मेरा कैश एज इट इज रहेगा प्लस बैंक मेरा 75,000, 1,00,000 रुपीज का मेरे पास बिल्डिंग एंड फर्नीचर प्लस 50,000 रुपीज का मेरे पास क्या आ गया, बिजनेस में स्टॉक आ गया। तो जो ये स्टॉक इन्होंने परचेज करा वो किस पे करा है, क्रेडिट पे परचेज करा। तो 2,00,000 रुपीज का कैपिटल तो एज इट इज रहेगा प्लस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 50,000 रुपीज के मैं क्या करूंगा, क्रेडिटर्स लिख दूंगा। और मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया क्रेडिटर्स, मैंने अपना ट्रांजेक्शन नंबर ई भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। फिर इन्होंने क्या करा, ही पेड कार्टेज रुपीज 500। तो 500 रुपए की कार्टेज पे करी। सर ये कार्टेज क्या होता है, बच्चे समझना कि जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं सप्लायर से, ठीक है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं सप्लायर से, फॉर एग्जांपल ये मेरे सप्लायर का गोडाउन है, ये सप्लायर है,
और ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है। मैंने क्या करा, सप्लायर से गुड्स परचेज करे, ये सारे गुड्स उसके क्या थे, गोडाउन पे रखे हुए थे। तो मैंने क्या करा, इस गोडाउन से गुड उठवाने के लिए कोई एक ट्रांसपोर्ट का मेथड यूज करा, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करा और ये गुड्स मैं अपने पास लेकर आया, ठीक है। तो जो भी बंदा मेरे लिए वो गुड्स लेकर आया, वो मेरे लिए फ्री में थोड़ी ना लेकर आएगा, मेरे को उसको भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, कार्टेज, ठीक है, कार्टेज। तो ये मेरे बिजनेस का क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया। तो 500 रुपीज की मैंने कार्टेज पे करी, वो मेरा बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए मैंने कैपिटल से रिड्यूस करा और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कार्टेज। और 500 रुपीज मैंने कैश में पे करे होंगे, तो 1,99,500 रुपीज का मेरे पास क्या है, कैपिटल है। क्रेडिटर्स मेरे पास कितने हो गए, 50,000 रुपीज के। 24,500 का मेरे पास कैश बचा, 75,000 रुपीज बैंक में पड़े हुए हैं, 1,00,000 रुपीज बिल्डिंग एंड फर्नीचर और 50,000 रुपीज का मेरे पास क्या है, स्टॉक है। तो ट्रांजैक्शन नंबर एफ भी मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया। ट्रांजैक्शन नंबर जी में क्या बोलते हैं कि ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर रुपीज 9,000। तो 6,000 रुपए की चीज को मैंने 9,000 रुपीज पे सेल आउट करा। तो मैंने क्या करा, स्टॉक से 6,000 रुपीज लेस कर दिया, ठीक है, और मेरे बिजनेस में क्या हो रहा होंगे, डेटर्स इंक्रीज हो रहे होंगे, तो 9,000 मैंने क्या करा, प्लस कर दिया। 6,000 की चीज को मैंने 9,000 में सेल आउट करा है, तो मेरा 3,000 रुपीज का क्या प्रॉफिट है, वो मैंने कहाँ ऐड कर दिया, अपने कैपिटल में, ई एफ और जी। सो हमारा जो कैपिटल कितना हो जाएगा, 2,02,500 प्लस 50,000 इज फॉर क्रेडिटर्स, कैश मेरा कितना है 24,500, बैंक में मेरे 75,000 रुपीज है, 1,00,000 रुपीज का मेरे पास क्या है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, और मेरे पास स्टॉक अब बचा 44,000 रुपीज का, ठीक है, मेरे पास जो स्टॉक बचा वो 44,000 रुपीज का। फिर ट्रांजैक्शन नंबर एच में क्या है कि रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। तो टेनेंट्स जो मेरे यहाँ एरिया है, मेरे पास जो बिल्डिंग एंड फर्नीचर, हो सकता है मैंने किसी को रेंट पे दे रखी हो, तो मेरे को उसके लिए क्या मिला, रेंट मिला अपने बिल्डिंग और प्रॉपर्टी पे। तो रेंट मैंने क्या करा, कैश में जाके ऐड कर दिया, प्लस जो ये रेंट मेरे को मिल रहा है वो मेरे बिजनेस के लिए क्या है, रेवेन्यू है। तो मैंने क्या करा, अपने रेवेन्यू को कैपिटल में ऐड कर दिया, तो मेरा टोटल कैपिटल कितना हो गया, 2,03,500, और मेरे जो क्रेडिटर्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। कैश मेरा हो गया कितना, 2,46,000, 75,000 रुपीज बैंक, 1,00,000 रुपीज का बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 44,000 रुपीज का स्टॉक, प्लस 9,000 रुपीज के मेरे क्या है, डेटर्स हैं। डेटर्स के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटर्स, यार डेटर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर आई में रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फ्रॉम टेनेंट्स रुपीज 1,500, मेरे को 1,500 रुपए मिले टेनेंट से एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। सर टेनेंट से हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट्स क्यों लेते हैं, बच्चे समझने की कोशिश करना, जो भी मैं अपनी प्रॉपर्टी उन्हें यूज करने के लिए दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अपने बिल्डिंग का एक रूम दे दिया कि वो लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब उस रूम में जो भी वो तोड़फोड़ करते हैं, इन केस वो अचानक से छोड़ के चले जाते हैं, तो वो तोड़फोड़ को जो मेरे को रिकवर करना पड़ेगा, मेरे को फिर से रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है, जो किसकी गलती की वजह से हुआ है, टेनेंट्स की वजह से हुआ है। तो इन केस वो कुछ ऐसा तोड़फोड़ करके जाते हैं, उनके बच्चे बड़े शरारती होते हैं कि सब कुछ तोड़ तोड़ के चले जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसको रिपेयर कराने के लिए मैं क्या करता हूं, उनसे कहता हूं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लो, दे दो मेरे को, मतलब मेरे को दे दो। तो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से मैं क्या करूंगा, रिपेयर्स वगैरह करवा सकता हूं, ठीक है। इन केस अगर कुछ भी तोड़फोड़ नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, तो मैं क्या करूंगा, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स उन्हें वापस कर दूंगा। तो जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स मेरे को मिला है, वो मेरे को किस में मिला होगा, कैश में मिला होगा। तो 1500 रुपीस मैंने क्या करा, 1500 रुपीस मैंने क्या करा, ऐड कर दिया, तो मेरा कैश कितना हो जाएगा, अच्छे जो ये मैंने 1000 रुपीस ऐड करा था, तो ये 25,600 होगा, सॉरी 25,500 होगा, मैंने 100 रुपीस ही ऐड करे गलती से, तो इस पर मैं ऐड करता हूँ, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 27,000 रुपीस मेरे पास कैश है, प्लस मेरे को 15,000 रुपीस का क्या मिला, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटीज। 50,000 रुपीस के मेरे पास क्रेडिटर्स हैं,
2,03,500 का कैपिटल है, तो 1,500 मैंने यहां पे क्या लिख दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट। और मेरे जो बाकी एसेट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, 75,000 प्लस 1,00,000 प्लस 44,000 प्लस 9,000। ट्रांजैक्शन नंबर जे में क्या दे रखा हुआ है कि परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। स्टेशनरी जो होता है वो मेरा बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो मैंने 100 रुपए कैश में पे करा तो मेरे पास कैश बचा 26,900। 100 रुपए जो स्टेशनरी का पे कर रखा है वो मेरा एक्सपेंस है, तो मैंने स्टेशनरी का एक्सपेंस जो है वो माइनस कर दिया, तो मेरा जो अब कैपिटल होगा वो कितना हो जाएगा, 2,03,400 प्लस 50,000 रुपीज के क्रेडिटर्स, 1,500 रुपीज के सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, कैश मेरा मैंने कैलकुलेट कर लिया, बाकी एसेट्स मेरे एज इट इज रहेंगे, कोई भी उसमें चेंज नहीं आने वाला है। तो 44,000 प्लस 9,000 मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर ट्रांजैक्शन नंबर के में क्या दे रखा हुआ है कि इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल रुपीज 50,000। उन्होंने मिस्टर सुनील जी ने क्या करा, बिजनेस के पैसे से अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस से पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं अपने पर्सनल काम के लिए, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गई, बिजनेस के लिए वो एक ड्रॉइंग हो गई। तो मैंने यहां पे लिखा माइनस 50,000 रुपीज और ब्रैकेट में लिख दिया ड्रॉइंग्स। तो बच्चे अब मेरे पास कैपिटल कितना बचा होगा, 1,53,400 प्लस 50,000 प्लस 1,500, और जो मैं 50,000 रुपीज लेकर गया हूँ वो कैश या बैंक में से लेकर गया होगा, तो पर बच्चे देखने की कोशिश करना, कैश में 50,000 रुपए है ही नहीं, तो मैंने ये अज्यूम किया कि वो 50,000 रुपए इन्होंने क्या करा होगा, बैंक से यूज करा होगा। तो मेरे पास बैंक में अब कितना बचा रह गया, 25,000 रुपीज, कैश मेरे पास 26,900 एज इट इज है, और बाकी जो मेरे एसेट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, कोई उसमें चेंज नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर के को भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर ट्रांजैक्शन नंबर एल में क्या था कि रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश रुपीज 200, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश रुपीज 200, कहीं से इनको 200 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा क्या है, बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू हमने क्या करा, अपने कैपिटल में ऐड कर दिया और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया इंटरेस्ट। तो 1,53,600 रुपीज का मेरे पास क्या हो गया, अब कैपिटल हो गया 1,53,600 का, प्लस 50,000 के क्रेडिटर्स हैं, 1,500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और अगर इसको मैं देखूं तो 27,100 प्लस 25,000 प्लस 1,00,000 प्लस 44,000 प्लस 9,000। तो ट्रांजैक्शन नंबर एल को भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर ट्रांजैक्शन नंबर एम में इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल रुपीज 25,000, तो 25,000 रुपीज ये लेकर आए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कैश में लेकर आए होंगे, तो मैंने कैश इंक्रीज करा और अपना कैपिटल इंक्रीज करा। तो कैपिटल के जो मैंने लिखा है ये 25,000, इसके ब्रैकेट में लिख दिया फ्रेश कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल, और यहां पे लिखा कितना टोटल आ जाएगा, 1,78,600 प्लस 50,000 प्लस 1,500 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 52,100 प्लस 25,000 25,000 1,00,000 प्लस 44,000 प्लस 9,000। मेरा जो लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर रुपीज 500, तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए कितने के, 500 रुपीज के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, गुड्स कितने के डिस्ट्रॉय हो गए, 500 रुपीज के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो मैंने 500 रुपीज माइनस करा अपने गुड्स में से, और 500 रुपीज जो डिस्ट्रॉय हुए वो बिजनेस के लिए एक लॉस है, तो 500 रुपीज मैंने क्या करा, लिख दिया ब्रैकेट में गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और जो मैंने टोटल का कैपिटल का जो टोटल आएगा वो कितना होगा, 1,78,600 में से अगर मैं 500 माइनस करूंगा तो 1,78,100 प्लस 50,000 प्लस 1,500
इज इक्वल टू 52,100 प्लस 25,000 प्लस 1,00,000 प्लस 43,500 प्लस 9,000। तो मैंने ये अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी कंप्लीट कर ली है। अब मेरे से क्वेश्चन क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में मेरे को बैलेंस शीट भी बनानी है, तो मैं क्विकली बैलेंस शीट बना देता हूँ। तो बैलेंस शीट, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि बैलेंस शीट हम लोग एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनाते हैं, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन में नहीं दे रखा हुआ है, बट किसके लिए बना रहे हैं ये बता रखा हुआ है। तो बैलेंस शीट ऑफ सुनील एज एट, डेट मेरे को नहीं पता है तो मैंने डैश करके लीव कर दिया। फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा मेरे बिजनेस की जो जो लाइबिलिटीज हैं वो मैंने लिख ली, अमाउंट, एसेट्स और एसेट्स का अमाउंट। तो जो ये लाइबिलिटीज हुई हैं तो लाइबिलिटीज में मेरा कैपिटल कितना है, कैपिटल मेरा है 1,78,100। बस मेरे को क्या करना है, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन कॉपी करके रख देनी। तो कैपिटल मेरा 1,78,100, क्रेडिटर्स मेरे पास कितने हैं बिजनेस में, जो मेरे बिजनेस में क्रेडिटर्स हैं वो है 50,000 रुपीज के, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ₹1,500 का, एसेट्स मेरे पास क्या क्या है बिजनेस में, कैश 52,100, बैंक जो है मेरे पास 25,000 रुपीज, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1,00,000 रुपीज का, स्टॉक कितना है 43,500, और डेटर्स मेरे कितने हैं 9,000 रुपीज के, ठीक है 9,000 रुपीज के डेटर्स है। अगर मैं इसका टोटल करूं तो इसका टोटल आएगा 2,29,600, और अगर मैं एसेट साइड का टोटल करूं तो ये भी आ रहा है 2,29,600। इट मींस हमने जो बैलेंस शीट बनाई है, हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है, ठीक है। अगर हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है, इट मींस हमने सब कुछ करा हुआ है। तो बच्चे अल्टीमेटली मैच तो करेगा ही ना, जब हम लोग सारे ट्रांजेक्शन को सही सही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारा LHS इज ऑलवेज इज इक्वल टू RHS, तो हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली बैलेंस शीट में मैच कराने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए मैंने आपको सफिशियंट क्वेश्चंस नोट डाउन करवा दिया, सफिशियंट प्रैक्टिस करवा दिया। अब आप लोगों का कुछ होमवर्क होगा तो उसको आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। जो होमवर्क है आप लोगों का वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको होमवर्क में मिल रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 15, ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में कर लेने हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को जो भी आज मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज 4 क्वेश्चंस बेसिकली करवाए, ठीक है, मैंने आज 4 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, सॉरी 5 कराए होंगे आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना है। बच्चे जब मैं सॉल्व कराता हूं तो क्या होता है कि आप लोगों का सिर्फ हाथ चल रहा होता है, दिमाग मेरा चल रहा होता है, ठीक है। आप लोग बस नोट डाउन करते हैं और चीजों को समझते हैं। जब आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे ना, पहले तो आपने क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन को समझ रखा है,
मैंने इसको समझाया तो आपने इसको अच्छे से समझ रखा है, फिर जब आप खुद से इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होगा। तो पहले आपको ये क्वेश्चंस 9, 10, 11, 14 एंड 16 फिर से सॉल्व करने और चेक करना है कि आप पूरा इसको सही सही सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब एक बार में पूरा का पूरा सही कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसको एक बार सॉल्व कर चुके हैं। तो इंश्योर करिएगा कि आप ये जो क्वेश्चन है वो एक बार में सॉल्व कर लें, ठीक है। फिर आपको ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क में सॉल्व करने होंगे जब आपने मेरे वाले क्वेश्चंस फिर से सॉल्व कर लिए होंगे जो मैंने क्लास में कराए हुए हैं, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए सफिशियंट है, इतना हमें समझने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन में काफ़ी है, क्योंकि ये हम लोगों का बेस बनाता है। और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से टाइम डिवोट करना भी इसमें सही नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से जनरली कोई क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोगों ने अपना अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी तरह से फिनिश कर लिया। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा जर्नल, ठीक है। जर्नल हो सकता है 2 से 3 टर्न्स चलेगा, और जो जर्नल हमारा जो टॉपिक है वो हमारा बेस है अकाउंटिंग का। अगर हमें जर्नल एंट्रीज में कोई भी दिक्कत आ गई तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो उस टॉपिक में मैं थोड़ा स्लो भी चलूंगा और उस टॉपिक को मैं और बेटर मैनर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जर्नल एंट्रीज एक बार मेरे को अच्छे से समझ में आ गई तो मेरे को आगे आने वाले कई चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, मेरे को अकाउंट्स इतना इजी लगेगा आगे चल के अगर मैंने जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ ली, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के लिए हम लोग अपना टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आप ये प्लीज़ इंश्योर करिएगा कि नेक्स्ट क्लास तक आप ये सब होमवर्क कर लें, और जो भी क्वेश्चन आए आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो जी, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।